आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उस देश की बात ही निराली है। एक ऐसा देश जहाँ एक ऐसा फूल देखने को मिलता है जो 7 किलो का होता है। यार इतने ज्वालामुखी हैं कि इसे ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। इस देश में मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कई ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ हिंदू भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इस देश में एक ऐसा जानवर भी है जिसकी पोटी से कॉफी बनाई जाती है और वह बहुत महंगी बिकती है। इस देश का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खूबसूरत देश इंडोनेशिया की, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इंडोनेशिया एक लोकतांत्रिक देश है। इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। यह देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी जकार्ता है। इस देश में लगभग 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य भाषा बहासा है। इस देश की आबादी लगभग 28 करोड़ है, जिसके कारण यह दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में चौथे नंबर पर आता है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 19,04,559 वर्ग किलोमीटर है, जिसके कारण यह क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में 15वें नंबर पर आता है। इस देश में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की लगभग 88% आबादी मुस्लिम है और बाकी 12% आबादी में सभी धर्म के लोग रहते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। इस देश में लगभग 90% आइलैंड ऐसे हैं जिस पर कोई इंसान नहीं रहता है और यहाँ पर 17 करोड़ लोगों की उम्र 30 वर्ष से कम है। यहाँ की ऑफिशियल भाषा इंडोनेशियन है और यहाँ के मुद्रा को रुपया कहा जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर 7 किलो का फूल मिलता है जिसका नाम रेफलिसिया है। यहाँ पर सोना बहुत सस्ता है क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान ग्रॉसबर्ग माइन है। यहाँ पर लगभग 400 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी लेक तोबा यहीं पर है। यहाँ प्रतिदिन 3 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसे बनाने में 75 वर्ष लगे थे। दुनिया में सबसे ज्यादा जायफल उत्पादन करने वाला यही देश है। इंडोनेशिया ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाला दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक ऐसा फूल भी है जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास होती है और इसकी जो सुगंध है वो लगभग 500 मीटर तक रहती है। इस देश में खूबसूरत लड़कियों को पुलिस की नौकरी दी जाती है। इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ विश्व की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन देखने को मिलती है। कोमोडो ड्रैगन का पहला वर्णन 1910 में डच अन्वेषकों द्वारा किया गया है, जब 2 ड्रैगनों को मारकर उनकी चमड़ी को जावा लाया गया। चीनी ड्रैगन को भी कोमोडो ड्रैगन पर आधारित बताया जाता है। इंडोनेशिया ताड़ के तेल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडोनेशियन सरकार में केवल 6 धर्मों इस्लाम, हिंदू, प्रोटेस्ट, कैथोलिक और कन्फ्यूशियवाद को मान्यता दे रखी है। हर इंडोनेशियन नागरिक इनमें से किसी एक धर्म को मानने वाला होना जरूरी है, भले ही उसकी मान्यता कोई और हो। अलग अलग धर्म के कोई भी जोड़े आपस में कानूनन तब तक विवाह नहीं कर सकते जब तक कि वो धर्मांतरण न कर लें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने इंडोनेशिया पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद भी लगभग आधी से ज्यादा इंडोनेशिया की आबादी $2 प्रतिदिन से भी अपना गुजारा कर लेती है। इंडोनेशिया के निवासी कभी भी खुले में सेक्स की चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ के निवासी नर और मादा जननांगों के लिए इंडोनेशिया भाषा में गुप्तांग शब्द का प्रयोग करते हैं। अडल्ट मेन ओरंगोटेन इंडोनेशिया के बोर्नोआ और सुमात्रा द्वीप पर पाया जाने वाला जंगली जीव है जो मनुष्य से 8 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक द्वीप समूहों से निर्मित देश है, जो 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से लगभग 6,000 द्वीपों पर आबादी निवास करती है। वनस्पति और प्राणियों की विविधता के कारण इंडोनेशिया ब्राजील के बाद विश्व में 2रा सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश है। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील दानू झील है, जो सुमात्रा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 70,000 वर्ष पूर्व यहाँ ज्वालामुखी फटा था, जो विश्व इतिहास का सबसे भयंकर ज्वालामुखी था। बोर्नियो द्वीप के निवासी आज भी हेड हंटिंग प्रथा को मानते हैं, हालांकि आजकल असली सिरों की जगह नारियल का प्रयोग किया जाता है।
इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी मुख्यतः बाली द्वीप पर रहती है। बाली द्वीप पर रहने वाले हिंदू निवासियों की मान्यता है नवजात शिशु को जन्म से लेकर 6 महीने तक पैरों को जमीन से नहीं छूने देने की परंपरा है। यह परंपरा बच्चों में बुराई से रक्षा करने के लिए की जाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने बचपन का कुछ समय इंडोनेशिया में गुजारा था। यहाँ वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और उनके साथी उन्हें बेरी कहकर पुकारते थे। प्राचीन जावा मान्यता के अनुसार 12 से 16 वर्ष की इंडोनेशियन लड़की को परिवार से दूर बंदी बनाकर रखा जाता है, जिसे कॉन्फिनमेंट कहा जाता है। इंडोनेशिया का पसोला उत्सव एशिया का सबसे असाधारण और खूनी उत्सव है, जिसमें खेलने वाले को काफी चोटें आती हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप सुमात्रा द्वीप के तट पर आया था, जिसकी तीव्रता 9.3 किलोमीटर प्रति आवर थी। इसकी वजह से आई सुनामी ने हिंद महासागर के दर्जनों देशों में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया के ककरोटा ज्वालामुखी, जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, इसके विस्फोट से इतनी राख उड़ी कि पूरा आकाश कई दिनों तक अंधेरे से ढक गया और कई सालों तक तापमान 12 डिग्री तक घट गया। इंडोनेशिया में चावल की खेती को पेडी कहते हैं, चावल बंदा के मार्केट को बेरस कहते हैं और पके हुए चावल को नासी कहते हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय व्यंजन नासी कामपुर है, जो यहाँ के प्रतिदिन के भोजन का मुख्य व्यंजन है। बाली द्वीप पर रहने वाले इंडोनेशियन बच्चे को हमेशा कम से कम 4 नाम दिए जाते हैं। बिजली और टीवी इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 20वीं सदी के अंत में आए थे। सन 2004 से इंडोनेशिया में पब्लिक प्लेस पर किस करना बैन है। इंडोनेशिया के मुसलमानों का नाम हिंदुओं के जैसे होता है और यहाँ के नोट पर गणेश जी की मूर्ति होती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।